नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज इस वीडियो में टाटा मांजा है जिसके हम एक कंडीशन देख सकते हैं। तो साइड यहाँ पर इसके पूरा बोनट पार्ट पूरा ख़राब है, इसका लाइट से ख़राब है, इसका ये फेंटर पूरा जंग खा रहा है। इतना नहीं खा रहा पर जो अगर जिससे कुछ ठोका है वहाँ से उस साइड से जंग खा रहा है। यहाँ पर इसके रूफ लाइनिंग में भी हो रखा है, इस साइड भी हो रखा है, पहले स्प्रे मार दिया हुआ टेम्परेरी के लिए। इसके रिम भी बिल्कुल रस्ट खा रहे हैं, आप देख सकते हैं कंडीशन गाड़ी। तो आप कंडीशन देख लीजिए कैसी जंक लग रही है इस पर पूरी पूरी। ये एक जंक होता है कि आपका बाहर बाहर से, अंदर बॉडी इंटरनल वाइज कोई जंक नहीं गाड़ी में, बॉडी बिल्कुल ओरिजिनल पेंट है, ऐसा कोई जंक नहीं है। जो बाहर से खड़ी थी गाड़ी है उन सब ने मार दिया। आप इंटीरियर भी देख सकते हो कितना इसका इंटीरियर शानदार है, कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सीट कवर चेंज कराएंगे, बाकी डैशबोर्ड बिल्कुल ओके है इसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा अच्छे से मार रखी है इसकी। तो यहाँ पे टेंट है, इसको मैं सबसे कम प्राइस में ही काम कराऊंगा, आप देखना। तो आप पीछे से भी कंडीशन देख सकते हो बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ से पेंट कर रखा है, स्प्रे मार दिया है, जंग ज़रा दिखे ना। और यहाँ से डेंट है इस पर, इसका बम्पर भी ख़राब है बिल्कुल, इतना भी ख़राब नहीं है। मतलब कह सकते हो कि आपकी गाड़ी खड़ी थी, बस हल्के फुल्के टच मार दी है, पर तब भी काम मांग रही है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि काम नहीं मांग रही। ऐसी रस्टिंग है हर जगह इसमें। एक होता है रस्ट छेद वाला, ये है रस्ट सिर्फ आपको गाड़ी ठुकी है कहीं से, मतलब टच करी है और वहाँ से पेंट उखड़ गया और बारिश से वो रस्ट खा गया, वो ऐसा रस्ट है। तो आपको मैं सारे दरवाजे दिखा देता हूँ, सब ओके है, अंदर से भी काफ़ी ठीक है। छोटा मोटा जो हो रखा है यही मैं ठीक करूँगा, ओरिजिनल पेंट ही होता है, पर क्या करें। अब इस चक्कर में देखना, आपको बाद में पता लगेगा, विंडो की वीडियो के एंड में दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में। इंटीरियर का ऐसा है कि मैंने आपको दिखाया था, इसका गियर का देख सकते हो, कवर निकल गया, ये मैं फिक्स कराऊंगा इसका। और इसको इंजन का भी दिखाया था मैं, कैसा इंजन है, हाँ इसका खुलेगा। तो ये इसका इंजन है, यहाँ से आप देख सकते हो कोई वैसे कोई रस्टिंग नहीं है, मेजर रस्टिंग बिल्कुल भी नहीं है इस गाड़ी में। तो यही चेक करना पड़ता है, हम तो गाड़ी लेते सेकंड हैं, हम तो इसका यही चेक करते हैं। जो बाकी जो होते हैं वो उनको एवन चीज़ चाहिए होती है, पर हम तो थोड़ी इस लाइन में हैं तो हम ऐसी चीज़ देखते हैं, बस बोन देख ले गाड़ी की, बोन ओके हो बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसका ये इंजन है, इसमें मैं सीएनजी पे डलाऊंगा, सीएनजी मैंने हटवा दी थी वाली, क्योंकि वो उसमें सिक्वेंशियल किट थी वो, ठीक है, और वो ख़राब हो गई थी, उसका खर्चा ज़्यादा था, वो मैंने हटवा दी। मैं उसमें किट डलवाऊंगा तो उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, पहले जैसे आप उसको बनते हुए देख लेना कैसे बनेगी, ठीक है। और सबसे कम प्राइस बनेगी आप, ये इसका बोनट है, ऐसा लगा किसी ने गोली मार दी हो। इसमें इसका स्टार्ट करके भी दिखाते हैं कैसी साउंड है उसकी, इसमें एग्जॉस्ट डला हुआ है, आपको दिखाते हैं एग्जॉस्ट है इसका। आपको आवाज़ सुनाया
साउंड है, एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें नहीं डला, मैं मजाक कर रहा था। ये क्या हुआ, इसका साइलेंसर में जो उसकी पैकिंग होती है, वो जब इंजन डलवाते समय पैकिंग उसकी ख़राब थी, वो चेंज करनी थी। साउंड थोड़ी मस्त आ रही है, वो मैं कराऊंगा, वो भी इसकी भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपकी साउंड आ रही है, वो चेक कराओगे तो उसकी भी वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको इसका रनिंग में दिखाता हूँ कैसे कैसे चल रही गाड़ी। चलने में बहुत A1 है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन सब ओके है, सिर्फ बॉडी में खटारा लग रही गाड़ी। आप देख सकते हैं हाफ सेल्फ स्टार्ट है गाड़ी, इसका स्टीरियो ये है, ब्लूटूथ वाला है, कॉलिंग वाला सब है। आप देखो मैं चला गया, मैं मैदान में आया हुआ हूँ, क्योंकि रोड पे फ़ोन ले जाना सही नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। तो आप देख सकते हैं इसके शॉकर वापस सब ओके हैं, तो गड्ढों को एग्जॉस्ट बहुत अच्छे से कर दिया, महसूस नहीं हो रहा अंदर से। गाड़ी की हम क्या देखते हैं, बोन देखते हैं कि बोन कैसी है, मतलब ऐसे कोई मेजर फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अब ये मैं गाड़ी टाटा की लेके आया हूँ, गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट नहीं है, जब बन जाएगी तो फिर कोई लगेगा ही नहीं ये वही गाड़ी थी। अब मैं इस चक्कर में, आप देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल स्मूथ ड्राइव हो रही है, बिल्कुल स्मूथ है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अब इसका रोड का भी एक बार दिखाया जाता हूँ, गली में ले जाके थोड़े यहाँ झटके पता लग रहा है आपको, लगाओ ये गाड़ी बहुत झटके खा रही है, ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी बहुत ही स्मूथ चल रही है। एक तरीके से रिव्यू भी हो गया गाड़ी का, अगर सेकेंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं तो ये वाली ना देखें। अगर आप थोड़े इस लाइन में हो, आपको इंटरेस्ट है गाड़ी को रिस्टोरेशन करना या सेकेंड हैंड गाड़ी को बनाना, तो आप ऐसी गाड़ी ले सकते हैं, बस आपको बोन देखनी है और प्राइस आप ऐसा देखें कि आप एफोर्ड कर सकें, बाद में कोई नुकसान आए। एक बार दोबारा इंजन की साउंड सुन लो, आपको बिल्कुल एग्जॉस्ट की फील आएगी। तो ये इसकी साउंड है। अब मैंने इसके कागज हटा दिए, सीट बेल्ट पहन लेते हैं। तो आप देख सकते हो बिल्कुल गाड़ी स्मूथ ड्राइव है ना, कोई इशू नहीं है रनिंग में। बस इसका मैं आपको रिस्टोरेशन दिखाऊंगा कैसे।
फर्स्ट मैंने लाइटर निकलवाई है, बफरिंग करने का यही है। और गाड़ी कंडीशन देख सकते हैं अभी, अब इसकी खिसाई सब हो रही है। यहाँ पहले आप देख सकते हैं डेंट है वो अच्छे से, उन्हें वो डेंट निकाल के फिर उसमें जो येलो सा कुछ होता है इनके पास, पूछूंगा क्या होता है वो, वाइट वाले से ज़्यादा बेटर होता है, उससे पपड़ी नहीं निकलती। भैया आ गए भैया।
से रहेगी। तो दोस्तों मुझे बताइए गाड़ी की कंडीशन कैसी हो गई है। गाड़ी बिल्कुल ही बदल गई, पहले क्या थी अब क्या हो गई, आप कंडीशन देख सकते हैं। जो पेंट का काम कैसा हुआ है मुझे आप कमेंट में बताइए। अब गाड़ी ऐसी हो गई कि रखने लायक हो गई है, पहले तो बिल्कुल ही ख़राब थी, बहुत ही बेकार कंडीशन थी। जो ग्लॉस आ रहा है ये मैंने वीडियो कम से एक 10 दिन बाद बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं मिला मुझे, बिजी हो गया था इसलिए। आप ग्लॉस देखिए, थोड़ी सी थोड़ी मिट्टी रह गई है। जो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसका क्लीन कर ली नॉर्मली और उसके सीट कवर हटा दिए पुराने वाले। तो दोस्तों गाड़ी की आप साउंड भी सुन लीजिए कैसी साउंड है उसकी, अभी को ठीक करा दी मैंने इसका। आवाज़ सुनिए बिल्कुल ही साइलेंट हुई गाड़ी। तो सारा से उसका भी मीटर रह रहा है, बाकी जो ऐसे सही सब हो रहा है। आपको बाकी और भी शॉट दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद।